Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and today I am in Baikala. That I'll be now going to places जो मैंने इतनी explore नहीं की है एंड today's video इज़ अबाउट बाइकला. मैं बाइकला पहले कभी भी नहीं आई हूँ. यहाँ पर मैंने इतना खाना नहीं खाया, सिर्फ जो मोहम्मद अली रोड में खाया है वो ही. बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द नॉन वेजिटेरियन फूड यू गेट इन बाइकला एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई एवरी थिंग. सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग ऑन अ नॉन वेज फूड ट्रेल इन बाइकला एंड आई एम सो एक्साइटेड. सो बाइकला साउथ मुंबई का एक पार्ट है और काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स सिंपल old fashioned but delicious serving restaurants. आज का दिन हम start करने वाले हैं by coming to an iconic place. It's called Salvi. ये आता है नागपाड़ा पुलिस थाने के एकदम opposite और यहाँ पर हम खाने वाले हैं कबाब. Let's go. So they actually have an AC and non-AC section, but we'll be going to the AC section because we're shooting. Let's go. बाइकला फूड टूर की शुरुआत हम करने वाले हैं सार्वी रेस्टोरेंट के साथ. ये रेस्टोरेंट सेटअप हुआ था 1925 में, काफ़ी छोटा सा था एंड नाउ इट्स लाइक अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर रेस्टोरेंट बट इट स्टिल हैज़ दैट ओल्ड चार्म. इनका जो नॉन एसी सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है बट नाउ दे हैव एन एसी सेक्शन ऑल्सो एंड लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू देयर मेन्यू बिफोर आर फूड कम्स. हेयर वी हैव सूप्स, हेयर वी हैव ऑल द चिकन डिशेज और प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं. हेयर वी हैव एग्जॉटिक्स जिसमें पाया, भेजा, टंग है. यहाँ पर हैं सीख कबाब्स, देन यू हैव छेलो कबाब, मटन, राइस, ब्रेड्स. ऑब्वियसली काफ़ी नॉन वेज डोमिनेटेड मेन्यू है. कीमा, एग एंड स्वीट्स. तो हमारे टेबल पर यहाँ पर खाने के पहले आ गया है अनियन, नींबू, यहाँ पर है चटनी और ये पुदीना. नाउ दिस इज़ अ रेयर साइट, ये मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है. यहाँ पे पुदीना पड़ा है. कहते हैं यहाँ के जो कबाब्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन मुंबई. तो ऑब्वियसली कबाब तो हम खा ही रहे हैं पर उसके साथ हम एक चिकन में भी डिश खाएंगे. वील प्रॉबेबली ईट भेजा फ्राई. मैंने काफ़ी सालों से भेजा फ्राई नहीं खाया है. सो लेट्स सी. सो गुड. हम स्टार्ट करने वाले हैं कबाब्स के साथ. तो ये हैं मटन सीख कबाब. यहाँ पर आपको चिकन और बीफ कबाब्स भी मिलते हैं. द कबाब्स लुक रियली जूसी, वेरी यमी, जस्ट लुक एट दैट. और ये मैं ट्राई करने वाली हूँ ये ग्रीन स्पाइसी चटनी के साथ. एकदम मुंह में पिघल गए ये. सच मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर. ये मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम खा रही हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड द हाइट. सो जूसी एज वेल. आई कैन स्टॉप इट वन बाइट. ये कबाब्स इतने जूसी हैं बट बाहर से समहाउ दे हैव लाइक अ क्रिस्पी टेक्सचर ऑल्सो एंड दीज आर नॉट स्पाइसी. दीज आर नाइस एंड फ्लेवर्ड. नो एफर्ट इन च्यूइंग देम. इवन जो मटन की क्वालिटी है अमेजिंग. नेक्स्ट मैं खाने वाली हूँ ये बटर चिकन, ये खमीरी रोटी के साथ. ये बोनलेस बटर चिकन इन दिस थिक ग्रेवी. लेट्स ग्रैब दैट ग्रेवी. और इसमें ना मुझे एक्चुअली ये टमेटोज, अनियन थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा है, पूरा मैश नहीं किया है. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. बहुत अलग है, एकदम कम मसालेदार टेंडर चिकन, थिक ग्रेवी. और ग्रेवी को ना कम्प्लीटली मैश नहीं किया है तो ऐसे टमेटो, कैप्सिकम, अनियन थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है. नाइस माइल्डली फ्लेवर्ड, यमी. इसको ना मैं बटर चिकन नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें ना इतना भी ऐसे बटर और इन सब का स्वाद नहीं है और ये उतना क्रीमी भी नहीं है. बट एज अ बोनलेस चिकन डिश दिस इज़ वेरी नाइस. इनफैक्ट मैंने जो कबाब्स भी खाए उसमें भी ऐसे बटर या इतना ग्रीस का ऐसा फील नहीं आ रहा था. कबाब्स तो परफेक्ट हैं. एक बटर चिकन खाने के बाद आई एम गोइंग बैक टू कबाब्स. फाइनली मैं ट्राई करने वाली हूँ भेजा मसाला फ्राई. ऑनेस्टली मैं काफ़ी सालों बाद खा रही हूँ बट दिस लुक्स
yummy. It's basically brain masala fry in this thick gravy. Let's grab that piece. Brain to kafi acche se cooked hai. Ekdam easily toot gaya. Wow. This is amazing. इसमें मुझे सबका स्वाद आ रहा है. ग्रेवी में ग्रीन चिलीज, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक, ऑल द अदर मसालास एकदम थ्रोट को टच कर रहे हैं. और ये जो भेजा है एकदम परफेक्टली कुक्ड है. सॉफ्ट, स्क्विशी, नो फाउल स्मेल, यमी. अब क्योंकि ये भेजा मसाला फ्राई है तो इसमें ऑयल का भी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, बट दैट इज़ वॉट इज़ मेकिंग दिस इवन डिलिशियस. ऑल द मसालास, इवन कोरिएंडर, कोरिएंडर का भी जो स्वाद आ रहा है, लव्ड इट. Everything here from kebabs, bheja, khameeri roti is delicious. Chicken is good, but chicken ke comparison mein mujhe kebab and bheja fry bahut acha laga. अगर मैं मुंबई या मुंबई के अराउंड स्ट्रीट फूड शूट कर रही हूँ तो वड़ा पाव के बिना हर वीडियो तो अधूरा ही लगेगा. कितना भी मैं ट्राई करूँ, एवरी प्लेस हैज़ इट्स फेवरेट वड़ा पाव जॉइंट एंड इवन बाइकला हैज़ वन. हम आ गए हैं ग्रेजुएट वड़ा पाव, जो बाइकला स्टेशन के एकदम बाहर है, बाइकला ईस्ट साइड पे. एंड यहाँ पर हमने ले लिया है वड़ा पाव. अभी इनका ना स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट्स कॉल्ड ग्रेजुएट वड़ा पाव बिकॉज द ओनर, जब वो मुंबई में आए थे तब उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था एंड ही वॉज अ ग्रेजुएट, सो ही स्टार्टेड अ वड़ा पाव जॉइंट और उसे नाम दे दिया ग्रेजुएट वड़ा पाव. एंड इट क्विकली स्टार्टेड गेटिंग फेमस. यहाँ पे मैंने ले लिया एक वड़ा पाव एंड दिस प्लेस एक्चुअली इज़ वेरी फेमस. यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है और इनके ना बहुत सारे ब्रांचेस भी खुल गए हैं. दिस इज़ द वड़ा पाव. वड़ा एकदम पाव से बाहर ही आ रहा है. इन्होंने दो चटनी डाली है, एक सूखी और एक गीली. चलो लेट्स टेस्ट दिस वन. अरे वाह, बहुत कमाल का वड़ा पाव है. गर्मा गर्म तीखा भी है, परफेक्ट. इसकी जो बेसन की लेयर है उससे लेके आलू और पाव सब एकदम परफेक्ट है. इवन चटनी काफ़ी मसालेदार है. ये आलू में ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर सीड्स, धनिया भर भर के डाला गया है. लुक एट द पाव, सो नाइस एंड स्क्विशी. और आलू में राई भी डाली हुई है, अमेजिंग. पाव के एकदम बाजू में मिल रहा था ये मंचूरियन. आपको ड्राई और मसाला मंचूरियन मिलता है और मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे मैंने स्ट्रीट स्टाइल इंडो चाइनीज़ मंचूरियन खा के, सो आई हैव टेकन अ स्मॉल प्लेट फॉर माई सेल्फ. बहुत लोग यहाँ पे गर्मा गर्म ये मंचूरियन की प्लेट ले रहे हैं, ये मसाला मंचूरियन, ऊपर से थोड़ा फ्राइड नूडल्स और कैबेज डाला हुआ. ये देखिए एक बड़े से कढ़ाई में बन रहा था ये. ये जो डिश है ना, आप कहीं पे भी खाओ मैजिकली इनका टेस्ट सेम ही रहता है. गोभी का बहुत स्वाद आता है, शेजवान टेस्ट का, गार्लिक का, और फ्राइड नूडल्स और कैबेज सोने पे सुहागा. बेसिकली ये गोभी के मंचूरियन बॉल्स जिसमें ढेर सारा कॉर्नफ्लोर भी जाता है, वो ये शेजवान और चिली सॉस के ग्रेवी में टॉस कर करके ऐसे मसालेदार बना दिया है. और ये साइड में थोड़ा सा कैबेज, रॉ कैबेज प्लस कुक्ड कैबेज दोनों साथ में, एंड सम स्प्रिंग अनियन टू. काफ़ी अच्छा ये. हम बस बाइकला स्टेशन से निकल ही रहे थे और ये देखिए हमें क्या मिल गया. इसको कहते हैं अनारकली या बुड्ढी के बाल. तो ये बनता है घी, मैदे और शक्कर के साथ. ये एक फ्राइड स्वीट आइटम होता है. और मुझे कमेंट्स में बताओ ये देख के किसको किसको अपना बचपन याद आता है. ये एकदम ऐसा फ्लेकी और क्रिस्पी होता है. 20 रुपीज़ का ये. ये देखो, ये एक्चुअली बाल लग रहे हैं और इसको बुड्ढी के बाल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड टेक्स्चर. पर इसको अगर आप ज़्यादा दबाओगे ये चिपक भी जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल द शुगर.
ये काफी स्वीट होता है और स्टार्टिंग में आपके मुंह पे ऐसे स्टिक होगा, लाइक चिपकेगा और फिर पिघल जाएगा। अलग ही टेक्सचर होता है इसका। जगह हम आए हैं वो भी बाइकला स्टेशन के एकदम बाजू में है। इट्स कॉल्ड ग्लोरिया रेस्टोरेंट, अनदर वेरी पॉपुलर एंड आइकॉनिक जॉइंट, और ये मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आपको मिलता है मुगलई, इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, बहुत कुछ मिल जाता है। वैसे मुझे यहाँ पे सी फूड खाना था स्पेसिफिकली, बट 4 to 7 यहाँ पे सी फूड नहीं मिलता और अभी 5:30 बज रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे चाइनीज़ फूड। तो यहाँ पर है वेज नूडल्स और ये एक चिकन प्रेपरेशन है जो सेमी ड्राई ग्रेवी में है। इट्स कॉल्ड चिकन ऑयस्टर and here we have some Szechuan sauce. This looks fiery, spicy and delicious. अब जैसे मैंने बोला कि मैं बाइकला फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने एक्चुअली जब मैं बाइकला स्टेशन पे थी तो गूगल पे सर्च किया रेस्टोरेंट्स अराउंड मी, सो आई फाउंड ग्लोरिया एंड पर्शियन दरबार। पर्शियन दरबार में जा चुकी हूँ, वहाँ का केप्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्लेस क्योंकि ये प्लेस को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। अगर आप यहाँ पर आते हो, मेक श्योर यू ट्राई देयर सी फूड। मैंने सुना है यहाँ का सी फूड काफ़ी सही होता है। मैं भी आऊँगी नेक्स्ट टाइम सिर्फ सी फूड खाने। सो आई एम टेकिंग सम वेज Szechuan नूडल्स। ये हाफ क्वांटिटी है एंड हाफ क्वांटिटी के हिसाब से दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। और ये है चिकन ऑयस्टर, ये यहाँ के स्टाफ ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं ट्राई करूँ। सो दीज आर लाइक चिकन क्यूब्स इन दिस चाइनीज प्रिपेयर्ड ग्रेवी। सो लेट्स टेक, सबसे पहले हम ये चिकन ही ट्राई करते हैं। ऐसे नाम की जो डिश है चिकन ऑयस्टर, ये मैं ऐसे फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। सो लेट्स टेस्ट दिस। ये मोर ऑर लेस चिकन चिली जैसा ही टेस्ट कर रहा है। इट्स जस्ट दैट चिकन के एकदम छोटे छोटे पीसेस हैं, बट बहुत सारा इसमें सोया सॉस है, स्पाइसी नहीं है, गार्लिक का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है। लेट्स ट्राई सम नूडल्स नाउ। चिकन जो है वो फ्राइड है, बट नॉट लाइक कम्प्लीटली डीप फ्राइड। जो भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया कुछ भी इतना स्पाइसी नहीं है, तो आई थिंक मैं थोड़ी ये Szechuan सॉस लूँगी तो स्पाइस इट अप अ लिटिल। सो ओवरऑल मुझे चिकन ऑयस्टर तो काफ़ी अच्छा लगा। अगेन जैसे एक चिकन चिली का प्रिपरेशन होता है वैसे ही, बट नॉट स्पाइसी, क्वाइट डिसेंट। एज आई सेड, आई कम हियर अगेन टू ट्राई सम सी फूड एंड अदर क्विजिन्स ऑल्सो। आ गए हैं बोरी मोला। यहाँ पे आपको इतना स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। आपको यहाँ पे टिक्का मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे कीमा, गुर्दा, कलेजी, भेजा, कबाब, मावा जलेबी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ वी हैव कम एट दिस प्लेस कॉल हाजी टिक्का कॉर्नर एंड हियर द टिक्का आइटम्स आर वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन टिक्का रोल। काफ़ी सिंपल था, एक रुमाली रोटी में बस चिकन टिक्का डाला और काफ़ी पतला सा है ये, 80 rupees का है। इट्स ऑनेस्टली जस्ट रुमाली रोटी एंड चिकन टिक्का, दैट्स ऑल। काफ़ी यहाँ पे ऐसे ऑन द गो स्नैक ऑप्शंस टाइप हैं। चलो लेट्स ईट दिस। वाओ, इसमें ना एक इन्होंने पेस्ट डाली, उसमें बहुत सारा गार्लिक का स्वाद आ रहा है, बट मोर देन दैट ये काफ़ी टैंगी टेस्ट ला रहा है। बट द चिकन इतना सकुलेंट, इतना जूसी। इसमें जो मसाला डाला गया है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला, चाट मसाला का टेस्ट आ रहा है। एक ये चिकन टिक्का का पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द हाईलाइट। दिस चिकन टिक्का पीस इज सो टेंडर, सो जूसी, वन ऑफ द फाइनेस्ट चिकन टिक्का आई हैव हैड। एकदम परफेक्ट स्मोकी, परफेक्ट ऑन द गो रोल। मतलब रुमाली रोटी तो खैर जैसी होती है वैसी है, बट द टिक्का अमेजिंग। इवन जो मैरिनेशन है चिकन टिक्का का, वो
माइल्ड फ्लेवर नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं उसमें। जो भी उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला डाला हुआ है, अमेजिंग। कमिंग टू एन आइकॉनिक आइसक्रीम जॉइंट, ताज आइसक्रीम जॉइंट। ये जॉइंट सेटअप हुआ था 1887 में। येस, इट्स मोर देन लाइक 120-130 ईयर्स आई थिंक। एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स हैंड चर्न आइसक्रीम्स। दे हैव नो एडिटिव्स, दे डोंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव्स। इट्स लाइक फ्रेश आइसक्रीम मेड ऑफ रियल इंग्रीडियंट्स लाइक ओनली मिल्क, फ्रूट्स, शुगर, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे इनका ले लिया है मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। दिस वाज द फर्स्ट आइसक्रीम दे एक्चुअली केम अप विद एंड मैंने वही ले लिया है। द आइसक्रीम लुक्स सो गुड। एंड नवीन इज गोइंग टू हैव रोस्टेड आलमंड्स एंड चॉको चिप्स आइसक्रीम। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ दिस। दिस इज मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट। लेट्स ट्राई गाइस, दिस आइसक्रीम इज यम्मी। इट हैज मेनी फ्रूट्स, चिकू, पाइनएप्पल। इसमें ना जेली डाली हुई है, वो जो टूटी फ्रूटी टाइप जेली नहीं होती है वो डाली हुई है, और वो चर्न नहीं की गई है, उसके लिए ऐसे पीसेस मुंह में आ रहे हैं। सो गुड। अननेसेसरीली स्वीट नहीं है, इनफैक्ट ऑल द स्वीटनेस इज कमिंग फ्रॉम फ्रूट्स। ये भेंडी बाजार का वन ऑफ द फेमस जॉइंट्स है एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। इवन द टेक्सचर ऐसा एकदम भी स्मूथ नहीं है, थोड़ा क्रस्टी है। द सटल फ्लेवर ऑफ चिक्कू, पाइनएप्पल, अकंपनीड विद टूटी फ्रूटी, यमी। Mixed fruit ice cream was a hit. Now let's try this one. Roasted almonds is my favorite flavor when it comes to dessert. So this is roasted almonds and choco chips ice cream. Oh my god. Dono hi ekdam opposite flavors when it comes to ice cream. Like wo ekdam fresh, fruity, citrusy tha. And this is like dark chocolate ka taste aa raha hai. Choco chips, roasted almonds to thoda saltiness. These ice creams are very simple, sweetness एकदम balanced है और काफ़ी original flavor है of जो भी इसका flavor है। Like इसमें roasted almonds भर भर के डाले गए हैं। Every bite has tons of roasted flavors and choco chips too. पर मुझे इससे ज़्यादा mixed fruit अच्छा लगा। Mixed fruit was amazing. They had a lot of other flavors. This is how their menu looks like. बहुत सारे flavors थे, you can try whichever you want. But if you're coming here, do try the mixed fruit one if you are a fruit fan. Okay, you guys, this is it for today's video. I hope you guys enjoyed watching it. Mujhe toh bahut maza aaya. It was my first time actually coming to Baikala and eating food here. Toh bahut maza aaya. Aap mujhe batao, next time hum kaunsi place in and around Mumbai explore karein jo itni explored nahi hai. I'm going to be watching your comments. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. Agar aapko chahiye comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. If you enjoyed this video, please make sure you hit the like button. That's going to help me a lot. Leave a comment, subscribe to my channel and hit the bell icon so you get an update whenever I post a new video. I'm going to see you next time. Till then, khao piyo khush raho. Bye. In fact, maine jo kya tha ye? Aa bhai. Arre अरे हाँ।